और जनता को ये लगा कि इसने वादा पूरा नहीं किया, तो 56% से वो बैंक घट करके 26% पे आ गया। शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा, उसको जानकारी नहीं है। इतनी तेजी से वोट बैंक घटा है, हमारे वाले समय में इनको ये लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में ये 26% घट करके अगर फिर दोबारा 20% या 16% पे आ गया तो इनका वही हाल होगा जो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं और जितनी जगह पर भी चुनाव लड़ते हैं वहीं पर अपनी जमानत जब्त करा बैठते हैं। तो इस सरकार ने, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, हम तो बात दिल्ली की करेंगे, दिल्ली के लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। सफाई कर्मचारियों के हिस्से में आने वाली सैलरी उनको कई कई महीने तक नहीं दी जाती है। एक तरफ केंद्र की सरकार भी भारत स्वच्छ अभियान का डंडा पीटती है और दूसरी तरफ स्वच्छता रखने वाले सफाई कर्मचारियों को समय पर सैलरी तक नहीं देती है। तो ये जो ड्रामा हो रहा है, ये जो चल रहा है देश के अंदर और विशेष रूप से दिल्ली के अंदर, ट्रेड यूनियन चाहे वो किसी भी पार्टी की विंग रही हो, उन्होंने मिलकर के जो दिल्ली को बंद करने का आह्वान किया है, ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण निर्णय में सभी लोगों को पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके एक साथ एक मुश्त आने वाली हड़ताल में शिरकत करनी चाहिए। अगर सारे लोग मिलकर के शिरकत करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और ये मिनिमम वेज जो दिल्ली ने सरकार ने लागू किया है ये लागू कहीं पर भी हो नहीं पाया। इसकी घोषणा जरूर हुई है, आज भी हालात ये है कि फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले लोग, गरीब लोग, उनको आज भी वही तनख्वाह मिली है। अगर वो मिनिमम वेज को लागू कराने की बात करते हैं या नौकरी पे दबाव करने की बात करते हैं तो उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे दी जाती है और एक आदमी अगर बाहर निकलता है तो दूसरा आदमी दरवाजे पर उससे भी कम नौकरी पर काम करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। इस व्यवस्था का, इस बेरोजगारी की व्यवस्था का जो उद्योगपति लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, वो पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं और सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही। निर्णय नहीं लेने का एक कारण ये भी है कि स्टाफ पूरा नहीं है। 70 इंस्पेक्टर दिल्ली के अंदर होने चाहिए वहां पर 10 है। जब स्टाफ पूरा नहीं होगा तो चेकिंग कहां से होगी? जो डीएफसी का स्टाफ होना चाहिए था वो पूरा नहीं है, और अगर है भी तो उनका सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं है। वो ये ज्ञानी साहब ठीक कह रहे हैं, ज्ञानी जी, कई बार मैंने भी देखा है आए हुए मैनेजमेंट के लोग उसे इस तरीके से बात करते हैं जैसे इनके रिश्तेदार, वो कभी भी उस तरीके से बात नहीं करते कि भी कानून का उल्लंघन हो रहा है और आपको इसमें सजा हो सकती है, आप इसको वर्कर को क्यों इसका वादे भाग नहीं दे रहे, इस तरीके से बात कभी नहीं होती। इस तरीके से एक माहौल इतना खराब हो गया है दिल्ली के अंदर कि लोगों को सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो आम आदमी पार्टी के आने से गरीब आदमी की आस बढ़ी थी वो बिल्कुल विफल हो चुकी है, पार्टी विफलता की तरफ चली गई है। अब दो दिन से आप देख रहे हैं केजरीवाल साहब अपने 3 मंत्रियों को साथ में लेकर के सोफे में बैठ करके अनशन कर रहे हैं। क्यों साहब? यहाँ पर मजदूर गर्म रोड भरे तपती हुई धूप में तपती लेकर के अपनी मांग करता है तो उन्हें उनका लोकतंत्र दिखाई नहीं देगा और वो सोफे पर बैठ करके एलजी साहब के यहाँ अनशन की बात कर रहे हैं ताकि जनता को फिर गुमराह किया जा सके कि हम काम करना तो जाते हैं लेकिन एलजी काम हमें करने नहीं देता। तो दोस्तों, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए साथी हैं या वर्कर हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग आने वाले समय में दिल्ली में जो हड़ताल का बिगुल फूका गया है, जो आह्वान किया गया है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और दिल्ली में 2 विभाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बिजली और पानी। बिजली पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, और पानी जो है वो गौड़ साहब के यहाँ से आता है और बिजली हमारे यहाँ से आती है, और हम बिजली नहीं देंगे तो पानी कहाँ से देंगे, ये भी सवाल है। तो अगर बिजली पानी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी है, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के लिंक है, तो आप लोग सब लोग मिलकर के अगर दबाव बनाएंगे तो शायद ये मिनिमम वेज हर जगह लागू हो जाए। और मिनिमम वेज लागू क्या हो जाए, डिमांड तो राष्ट्रीय स्तर पर ये है कि मिनिमम वेज की जो राशि है देश के अंदर कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए। जिस हिसाब से देश में शिक्षा का जो है महंगा हुई है, बाकी चीजें महंगी हुई है,
10,000 9,000 रुपए में काम करने वाला कोई भी वर्कर आज की तारीख में अपने परिवार को चला करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। ये जो प्रथा अब फिलहाल चल रही है, ये एक ऐसी प्रथा चल रही है जिससे आने वाले बच्चे आपसे भी, आप जितने स्तर पर भी पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए और उनका आगे का विकास रोक दिया जाए। ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र बहुत चालाकी से किया गया षड्यंत्र है। आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करते, 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करते और 9वीं में दो बार अगर फेल हो जाए तो उसको एडमिशन नहीं देते। और सारे बच्चे 8वीं वाले आज ऐसे हैं कि अपनी मम्मी और पापा का ठीक तरीके से नाम नहीं लिख सकते। और ये साजिश के तहत ऐसा किया गया है क्योंकि बच्चों को एजुकेशन का स्तर अगर घटा दो तो निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उस पीढ़ी का निर्माण, उस पीढ़ी का विकास आने वाले समय के लिए रुक जाता है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहां पर अच्छे ट्यूशन लगाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये तो बराबरी कैसे कर पाएंगे। तो बराबरी नहीं है, बहुत ही असमानता है और जो अन्याय मजदूरों के साथ हो रहा है, इस अन्याय की लड़ाई में आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस विरोध को फूकेंगे और आने वाले समय में इस यूनिटी को कामयाब करेंगे। जहां तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों का सवाल है, अभी जैसे हमारे भाई ने बताया तो मैं उसमें एक चीज आपको बता दूं कि बिजली विभाग में काम करने वाले 28,000 कर्मचारी भी एक तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन ही आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का प्राइवेट होने के बावजूद भी 49% शेयर है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। और ये जो इन्होंने घोर अन्याय किया है, इसका खामियाजा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में अगर ये सरकार नाचे थी तो इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बिजली के कर्मचारियों के साथ साथ बाकी जो कर्मचारी हैं वो तो पीड़ित हैं ही। जो सफाई कर्मचारी हमारा पीड़ित है पूरी दिल्ली के अंदर, उसने कसम खा ली है वो इस उत्पीड़न को कतई सहन नहीं करेगा। और जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के इन्होंने एक भरभी करने का समाज को काम किया है, उसका बहुत जल्दी समय में उसको जवाब मिलेगा, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ, इसके साथ साथ ही काफी दिन बाद आज मेरी मुलाकात हुई है वीरेंद्र गौड़ जी से। आपको हैदी साहब ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन करके जो यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के तहत बैन लगाने की जो प्रक्रिया है, जो लोगों को कैसे पता किया जाता है, जो एक हमारा लेबर बोर्ड होता है स्टेट का, उसमें आपको सदस्य भी नियुक्त किया है, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी अगुवाई में आने वाले समय में जब तक आप बोर्ड के मेंबर हैं तो कुछ पॉइंट्स लगा करके, कुछ पॉइंट्स रख करके, कुछ फाइलों के माध्यम से इसके का ठेकेदारी प्रथा पर आप बैन लगाएंगे। और जहां जहां पर भी स्थायी कार्य दिल्ली के अंदर हो रहा है, उस स्थायी काम पर करने वाले कर्मचारियों को कम से कम स्थायी करने के लिए आपके ओर से इसमें पहल होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।